So students, in our last video, we have already discussed the structure of DNA. DNA kada banya hunda hai? What are nucleotides, right? DNA the Watson and Crick model, Chargaff's rule. Here, we are going to begin with very important topic, that is packaging of DNA helix. Before starting that, ek chota ja topic ho rasi itthe discuss karange, central dogma ki hunda, right? Central dogma da jada bache concept hai, that was given by Crick in 1958. Theek hai ji? Hun central dogma hai ki hai? इस चैप्टर दे विच असी यही चीज़ डिटेल दे विच पढ़नी है कि डीएनए जड़ा है जड़ा असी हुणे पढ़ के आए हैं लास्ट वीडियो दे विच कि न्यूक्लियोटाइड्स दा बने हैं उहदे विच न्यूक्लियोटाइड्स दे विच नाइट्रोजन बेसिस शुगर ते फॉस्फेट होंदी है राइट सो डीएनए दे विच एक इनफॉर्मेशन होंदी है कोडेड इनफॉर्मेशन जदों जिहड़ी ओह कोडेड इनफॉर्मेशन डीएनए तो किहदे च जांदी है आरएनए च आरएनए तो किधर जाती है आरएनए तो फिर की बनते प्रोटीन सो इस चैप्टर दे विच जदों असी बार बार यही गल कहांगे कि डीएनए अपने आप नूं एक्सप्रेस करांदा है सो एक्सप्रेस करन दा मतलब की है डीएनए तो आरएनए बनना स्पेशली आरएनए दी एक टाइप है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए असी लेटर ऑन आरएनए दीआं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है और आरएनए तो फर्दर फिर की बनते हैं प्रोटीन सो जदों भी मैं कहांगी कि डीएनए अपने आप नूं एक्सप्रेस करान दा मतलब है कि की बनाता है प्रोटीनस राइट सो द फ्लो ऑफ कोडेड इनफॉर्मेशन आ जिहड़ी फ्लो है इनफॉर्मेशन दा कोडेड इनफॉर्मेशन दा डीएनए तो आरएनए आरएनए तो दैन प्रोटीनस इस फ्लो ऑफ इनफॉर्मेशन नू सेंट्रल डोगमा कहिंदे आ एंड डीएनए तो एमआरएनए बनन दे प्रोसैस नू ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए तो प्रोटीनस बनन दे प्रोसैस नू ट्रांसलेशन ए प्रोसेस असी लेटर ऑन बहुत डिटेल दे विच डिस्कस करने हैं ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर दी हाँ डीएनए दी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो आरएनए तक जाना एमआरएनए तो उही इनफॉर्मेशन दी मदद नाल प्रोटीनस बनने दिस होल फ्लो ऑफ इनफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा इहनूं असी की बोलते हैं सेंट्रल डोगमा एंड एक होर चीज़ डीएनए तो आरएनए ते आरएनए तो प्रोटीन ए रिवर्स डायरेक्शन च है ए एक रिवर्सिबल प्रोसेस है डीएनए तो आरएनए पहले ही कर ले ट्रांसक्रिप्शन ते जे आरएनए तो डीएनए बनया दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म वन मार्क दा कई बार क्वेश्चन आंदा व्हाट इज टेमिनिज्म आरएनए तो डीएनए और इनू की बोलदे सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर फर्दर आरएनए तो प्रोटीन ए इररिवर्सिबल प्रोसेस है आरएनए तो ही प्रोटीन बनने प्रोटीन तो आरएनए नहीं बनना ट्रांसलेशन इहनू कहिंदे ने सेंट्रल डोगमा रिवर्स क्योंकि इत्थे एक स्टैप की होया सी रिवर्स सो सेंट्रल डोगमा रिवर्स दिस इज सिंपल सेंट्रल डोगमा एंड दिस इज सेंट्रल डोगमा रिवर्स ठीक है जी सो ये सी साडे कोल सेंट्रल डोगमा दैन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए बच्चे एक बड़ी समझण वाली गल है इत्थे कि डीएनए जेड़ा है वो बहुत एक लंबा मोलेक्यूल है ठीक है असी सारे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि सैल बहुत ही छोटी एंटिटी है सैल बहुत छोटा है तो जे सैल छोटा है बच्चे तो उहदा न्यूक्लियस किन्ना कु छोटा होएगा क्योंकि न्यूक्लियस तो सैल दे भी अंदर पे है सो न्यूक्लियस होर भी छोटा हो गया हुण न्यूक्लियस इन्ना छोटा है बट बच्चे जिहड़ा डीएनए वह बहुत लंबा जिहड़ी लंबी चेन हुंदी है तो फिर इन्ना लंबा डीएनए इन्ने छोटे न्यूक्लियस दे विच किवें आ जांदा है ये बहुत ही एक समझण वाली गल है बहुत ही एक हैरानी वाली गल है कि एवें किवें आ जांदा है इहदा मतलब वो किसी ना किसी तरीके ना एक उहदी पैकेजिंग हुई होएगी ठीक है अच्छे तरीके नाल उहनूं पैक किया होएगा सो दैट वो इन्नी छोटी जगह पर फिट आ पा रहा है ठीक है सपोज़ बेटा मेरे कोल एक बहुत लंबा रिबन है या तुसी कह लो बहुत ही एक लंबा थ्रेड है ठीक है एक जिदा तुसी काइट वाले थ्रेड की गल कर लो बहुत ही एक लंबा थ्रेड है इन्ना लंबा थ्रेड जे मैं उन्हें बिल्कुल लंबे रोक रखना चाहवा तो सारा घर भर जाएगा पर तुसी उन्हें की करदे एक छोटे जे पेपर के उत्ते उन्हें राउंड 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 करके उन्हें पैक कर देंदे हो लपेट देंदे हो सो दैट वो एक इन्ना लंबा थ्रेड एक छोटी जगह पर एक थोड़े स्पेस दे विच ओह इकट्ठा हो जाए ठीक है सिमिलरली न्यूक्लियस हुण इन्ना छोटा है डीएनए इज टू लोंग तो किवें आंदा उही साडा अज दा टॉपिक है वो न्यूक्लियस दे विच किवें आएगा
इफ आई टॉक अबाउट प्रो कैरियोट्स, मैं अगर ई को लाए प्रो कैरियोट्स एग्जाम्पल लैके चलना, तो जो प्रो कैरियोट्स होंगे दे डू नॉट हैव वैल डिफाइंड न्यूकलीयस, असं पहले ही पढ़ चुके हैं। उन्होंने कोल न्यूकलीयस जिदा सैल है वो अंदर न्यूकलीयस है, न्यूकलीयस के बाहर जी न्यूकलीयर मैंबरेन नहीं होंगी, सो दे डू नॉट हैव वैल डिफाइंड न्यूकलीयस। तो डी एन ए जरा सैल के साइटोपलैजम से स्कैटर होया पे फैलिया होया, तुम कह लो डी एन ए नैगेटिवली चार्ज हों, तो वो अराउंड कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे है, या सिंपली तुसी कह लो जे मैं प्रो कैरियोट्स की गल करा तो जो स्कैटर्ड डी एन ए है वो क्योंकि न्यूकलीयस दे विच नहीं तो उन्होंने न्यूकलीओइड कहते हैं, कि बोलते न्यूकलीओइड, ठीक है जी। जे मैं यू कैरियोट्स की गल करा, हुण मैनू पता है वैल डिफाइंड न्यूकलीयस हैगा, ता इदा मतलब डी एन ए किसी तरीके दे नाल अंदर इन्नी चंगी तरह पैक होया पिया कि इन्ने छोटे जे न्यूकलीयस दे विच आ जांदा है। जे मैं ह्यूमन दे मैमल्स दे मैमल्स दे डी एन ए की गल करा तो 2.2 meters अप्रोक्सीमेटली 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर ने मैमल्स दे डी एन ए, तो 2.2 meters बच्चे 2.2 meters वड्डी गल है, तो न्यूकलीयस तो बहुत छोटा है, तो उहदे विच किवें आंदा है किवें पैक हुंदा है, यही साडा अज पढ़न वाला टॉपिक है। सो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने साइंटिस्ट ने डी एन ए की पैकेजिंग के अलग अलग मॉडल दिते, बट जिहड़ा सब तो नोन मॉडल है, जिहड़ा सब तो चल रहा मॉडल है, वह है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इट वॉज प्रपोज बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, राइट। सो न्यूक्लियोसोम मॉडल की है वो असी हुण डिस्कस करांगे। पहली तो एक इंपॉर्टेंट गल, डी एन ए इज़ नैगेटिवली चार्ज, सानू सारियां नू पता है, ठीक है जी। उस तो बाद एक प्रोटीनस होंगे ने विच आर पॉजिटिवली चार्ज, बेसिक प्रोटीनस। डी एन ए आप एसिडिक है तो नैगेटिवली चार्ज है, तो जिहड़े मैं प्रोटीनस का हुण जिक्र करन जा रही हाँ वह पॉजिटिवली चार्ज तो बेसिक प्रोटीनस ने, दोज आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीनस, दोज आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीनस, ठीक है जी। हिस्टोनस जिहड़े ने वाई दे आर बेसिक, बिकॉज उन्होंने बेसिक अमाइनो एसिड्स ने, प्रोटीनस ने ऑबवियसली दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, असं पढ़ चुके हैं प्लस वन च बायोमोलैक्यूल चैप्टर च। सो हिस्टोनस दे आर द प्रोटीनस, प्रोटीनस कादे बने होंगे अमाइनो एसिड, और ए बेसिक अमाइनो एसिड के बने ने लाइसीनस ते आर्जिनिन एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। ओके, असं जिक्र किया हिस्टोनस बारे, हुण हुंदा की है बच्चे हिस्टोनस, मैं हुण टोटल वैसे 5 types ऑफ हिस्टोनस ने, मैं इतने मैं वैसे पहले लिख दिनी हाँ केड़े केड़े 5 types ऑफ हिस्टोनस ने, H1, H2A, H2B, H3 and H4, दीज आर द 5 different types ऑफ हिस्टोनस। H1 नू फिलहाल छोड़ दिओ, H2A, H2B, H3 and H4 चार हिस्टोनस हो गए, इन्हों का डायमर लै लो, 2 molecules लै लो, ये किन्ने हो गए 4 × 4 = 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3-dimensional स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। 8 histone molecules एक मिलके यूनिट बना रहे ने, इनू कहिंदे ने ऑक्टामर, की बोलते ने ऑक्टामर, ए जिहड़े तुहानू 4 ऑक्टा का मीनस की हुंदा 8, मर मोलैक्यूल, 8 molecule मिलकर एक मोलैक्यूल बना रहे हैं ऑक्टामर। यू कैन सी हेयर कोर ऑफ 8 histones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 histones जिहड़े ने वो इस जो असी मॉडल पढ़ रहे हैं, एक न्यूक्लियोसोम पढ़ांगे हुण असी, इहदा कोर बनाणगे, एक एक न्यूक्लियोसोम दी की बनाणगे कोर, केड़े केड़े हिस्टोनस, H2A, H2B, H3, H4, H1 हजे छोड़ो, मैं दसांगी H1 कित्थे लगेगा। सो दिस इज कोर ऑफ हिस्ट ऑक्टामर, सॉरी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो ही इस मॉडल का नाम न्यूक्लियोसोम मॉडल है, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम है, कंप्लीट किवें बने आप हुणे डिस्कस करते हैं। फिलहाल न्यूक्लियोसोम दी एक कोर है जिहदे विच 8 octamer ने तुहानू दिख रहे हैं, ऑक्टामर, 8 histones ने एंड इट फॉर्म ऑक्टामर, ठीक है जी। देन डी एन ए इज़ नैगेटिवली चार्ज, वेयर एज ए हिस्टोन की ने पॉजिटिवली चार्ज। हुण डी एन ए अराउंड रैप होया, आ तुसी देख रहे हो ब्लैक जिहड़ी लाइन है, ये अराउंड इदा रैप हुई हुई है, ठीक है। दिस कोर कादी कोर 8 histones की, तो वो अराउंड जिहड़ा है डी एन ए लिपटिया होया, इहनू टूगैदर बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, की बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियोसोम। 8 histones प्लस ये अराउंड जिहड़ा डी एन ए ये अराउंड जिहड़ा रैप होया, दिस इज कॉल्ड एज न्यू कंप्लीट
इनू पूरे नू हिस्टोन्स प्लस डीएनए नू न्यूक्लियोसोम ते पर जे कल्ले हिस्टोन्स की गल करा तो इनू कोर कहिंदे आ ठीक है ऑक्टामर नू की कहिंदे कोर ओके कहिंदा हुण एक न्यूक्लियोसोम दे विच तकरीबन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एक न्यूक्लियोसोम जिहड़ा इहदे अराउंड रैप होया होया अगली चीज़ देखो हुण बच्चे जिहड़ा न्यूक्लियोसोम ने दे कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर सीन इन द न्यूक्लीअस जदों असीं माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं शुरू असीं की देखते हैं कि जिहड़ा डीएनए वो एक थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लीअस च प्रेजेंट असीं उहनूं क्रोमैटिन कहिंदे आ ठीक है हुण अगली गल सुनो इंपॉर्टेंट आ एक न्यूक्लियोसोम हो गया एक तो न्यूक्लियोसोम नहीं हुंदा इदां दे किन्ने सारे की हुंदे ने न्यूक्लियोसोम्स ए एक हो गया अगे एक होर न्यूक्लियोसोम अगे एक होर न्यूक्लियोसोम तो एक न्यूक्लियोसोम दूजे न्यूक्लियोसोम नाल किवें कनैक्टिड है दैट इज़ कॉल्ड एज लिंकर डीएनए की बोलते उन्हें लिंकर डीएनए एक न्यूक्लियोसोम दूजे न्यूक्लियोसोम नाल किवें कनैक्टिड है बाय लिंकर डीएनए और लिंकर डीएनए जिहड़ा एक हिस्टोन मैं रहन दिता सी कि बाद चो पढ़ांगे एच वन हिस्टोन वो प्रेजेंट है लिंकर डीएनए च किहड़ा हिस्टोन प्रेजेंट है एच वन लाइक दिस बच्चे ए एक ऑक्टामर हो गया एक न्यूक्लियोसोम हो गया आ देखो ये अराउंड डीएनए लिपटिया होया है ए एक को ए अंदरली कोर ते बाहर जदों डीएनए लिपटिया एक न्यूक्लियोसोम हो गया न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम आपस च किवें जुड़े ने लिंकर डीएनए ते लिंकर डीएनए दे विच केड़ा हिस्टोन रह गया एच वन केड़ा हिस्टोन आ गया एच वन जिहड़ा कि अटैच कर रहा है अटैच्ड ओवर लिंकर डीएनए दे उत्ते अटैच हुंदा है ठीक है जी हुण अगली गल सुनो यह जिहड़ा मॉडल आप कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल इहनू बीड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल भी कहिंदे की बोलते बीड ऑन अ स्ट्रिंग तुसीं एक माला इमेजिन करके चलो अपने माइंड दे विच माला उहदे विच तुसीं समझ लो उस माला दे विच मोती ने ठीक है तो जिहड़े आ एक मोती है एक जिहड़ी बीड है इहनू मैं समझ लो एक न्यूक्लियोसोम मन के चल रही हाँ यह दूजा न्यूक्लियोसोम है तीजा है चौथा इहनू आपस च किन्ने कनैक्ट किया लिंकर लिंकर डीएनए ने सो एक जिहड़ा पूरा एक कंप्लीट डीएनए का यह मॉडल है ना ये सानू इदा देखण च लगता जिदा बीड इन अ स्ट्रिंग एक धागे दे विच मोती परोए हुए है बीड इन अ स्ट्रिंग मॉडल दैट इज़ वाई नू ए वाली जो असीं माइक्रोस्कोप रख नीचे रख के देखते हैं सानू एवें दा लगता है ठीक है सो ये कंप्लीटली इस तरीके ना सारा जड़ा डीएनए आ पैक होया पे है कि उस जदों न्यूक्लियस दे विच असी देखते हाँ तो सानू एक धागे की तरह लिपटिया होया स्ट्रक्चर दिखता है तो जदों असी माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हाँ उस जो मैटाफेज स्टेज आती है फिर सानू एक किवें दी अपीयरेंस दिंदा क्रोमोसोम की फॉर्म दे विच मीनस ए पूरा चंगे तरीके ना कंपैक होके की बन जाते हैं क्रोमोसोम्स सो इस तरीके दे नाल बच्चे जिहड़ा डीएनए इन्ना लंबा वो पैक हो के हिस्टोनस की मदद के नाल न्यूक्लीअस दे विच फिट आ जाता है सो मैं ऑलरेडी जिहड़ी गल दस चुकी दोबारा देख लो फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन होंदे ने एच वन एच टू ए एच टू बी एच थ्री एच फोर यह जिहड़े चार ने एक कोर बनाते कोर नू न्यू बॉडी भी कहिंदे आ एन यू न्यू बॉडी ये अठ दो 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 डायमर होंदे ना इन्हां दे ये चारां दे दो दो मोलैक्यूल मिलकर ऑक्टामर बनाते जिन्हों कोर या न्यू बॉडी कहिंदे ये असीं इत्थे कर चुके हैं ठीक है और उहदे अराउंड की लिपटिया होया डीएनए एक न्यूक्लियोसोम तो जिहड़ा एच वन रह गया एक इहदे उपर अटैच है लिंकर डीएनए आ देखो लिंकर डीएनए जिन्हें दो न्यूक्लियोसोम नू जोड़िया होया है ठीक है सो कहिंदा अगर असी बहुत हाई लैवल से यदि पैकेजिंग करानी है हायर लैवल उस होर अडिशनल सैट ऑफ प्रोटीनस भी चाहिए होंगे कई बार उन्होंने एन एच सी कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीनस जो बहुत हाई लैवल से पैकेजिंग होएगी तो यह वाले प्रोटीनस भी हैल्प करेंगे बट मेनली जी असी पैकेजिंग पढ़नी असं उस हिस्टोनस का ही जिक्र करना है पंजा हिस्टोनस का जिदे करके फिर ये एक कंप्लीट जिहड़ा स्ट्रक्चर बन जाता जिन्हों असी न्यूक्लियोसोम मॉडल या बीड इन अ स्ट्रिंग मॉडल कहने सो इस तरीके दे नाल इन्ना लंबा जिहड़ा डीएनए है वह कंपैक होकर न्यूक्लीअस दे विच पूरा आ जाता है सो बेटा आपां कंप्लीटली पढ़ लिया कि डीएनए की पैकेजिंग किवें हुंदी है उस तो बाद बस एक छोटा जिहा टॉपिक होर है यू क्रोमैटिन एंड हैट्रोक्रोमैटिन ठीक है हुणे हुणे असी पढ़ के आए क्रोमैटिन की है देखिया ना कि जिहड़ा डीएनए है वो किस नाल उहदे की जुड़े हुए ने प्रोटीनस हिस्टोन प्रोटीनस तो उन्हों कलैक्टिवली असी की बोलते क्रोमैटिन जिहड़ा न्यूक्लीअस के अंदर असी पढ़ के आए हैं सो बेसिकली ये दो तरह का होंदा हैट्रोक्रोमैटिन ते यूक्रोमैटिन एक गल बहुत ध्यान नाल सुनियो जिहड़ा क्रोमैटिन जनरली
मैं पहले यूक्रोमैटिन का जिक्र करती हाँ। जेड़ा क्रोमैटिन जनरली असं देखते हाँ कि वह लूजली पैक्ड है फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज़ लूजली पैक्ड, भी बड़ा लूजली जहा पैक होया पे है, तो जेनेटिकली एक्टिव है बेटा। जेनेटिकली जेनेटिकली एक्टिव का मतलब ध्यान ना इतने समझ लो, जेनेटिकली एक्टिव का मतलब होंगे कि डीएनए चो इनफॉर्मेशन हैगी है जिदे तो अगे आर एन ए, तो आर एन ए तो अगे की बनेगा प्रोटीनस, असं पढ़ के आए ना हमने जो सेंट्रल डोगमा पढ़िया। सो ये जेनेटिकली एक्टिव डीएनए है, ये न्यूक्लीयस के अंदर प्रेजेंट है, या तुम कह लो सैल के सेंटर च प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स च तो न्यूक्लीयस की बाउंड्री नहीं होंगी पर यूकैरियोट्स होंगी है। सो जिहड़ा लूजली पैक्ड डीएनए विच इज़ जेनेटिकली एक्टिव एंड इट इज़ प्रेजेंट इन इन द इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लीयस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सैल दोनों च प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। बट जिहड़ा हैट्रोक्रोमैटिन है बच्चे, ये सिर्फ तो सिर्फ यूकैरियोटिक सैल्स के विच हुंदा है, जिहड़े यूकैरियोटिक सैल उहदे न्यूक्लीयस के अंदर तो एक डीएनए हैगा ही हैगा यूक्रोमैटिन, पर उहदे न्यूक्लीयस के बाहर आ जिहदा सैल है, यह न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के बाहर साइडां ते किनारियां ते एक होर हाईली कंडेंसड, कंडेंस मीनस सुंगड़िया होया, हाईली कंडेंस ते टाइटली पैक्ड डीएनए प्रेजेंट है जिहड़ा जेनेटिकली इनएक्टिव है। वह अगे डीएनए तो आरएनए, आरएनए तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, वह पैरीफ्री, पैरीफ्री ऑफ द न्यूक्लीयस मीन न्यूक्लीयस की साइडा से, पैरीफ्री ऑन द साइड्स, साइड्स से प्रेजेंट है, अंदर नहीं प्रेजेंट, इट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन तो अंदर वाला जिहड़ा मेन डीएनए है ना जिहड़ा जेनेटिकली एक्टिव है, पर यह पैरीफ्रीज से प्रेजेंट है, जेनेटिकली इनएक्टिव है, हाईली कंडेंस से पैक्ड है और यूकैरियोटिक सैल्स के विच प्रेजेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन हैट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, हैट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, भी लूज लूज जी पैकिंग हुई पी, इट स्टेन्स डार्कली, जे असं इनू स्टेन करिए, स्टेन हुंदा किसी डाई दे नाल कलर करना, सो ये डार्कली स्टेन्ड हो जाता है लाइटली, तो सानू फर्क पता लगता है कि यू हैट्रोक्रोमैटिन केड़ा है तो यूक्रोमैटिन केड़ा है। उस तो बाद हैट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शन असं हुणे पढ़ के आए सी, की पढ़िया सी, डीएनए तो एमआरएनए बनना, ये इनएक्टिव है, नहीं बनाता, ये एक्टिव है, ये बनाता है। हाई डीएनए डेंसिटी, इहदा डेंसिटी, डेंसिटी तुहानूं सारिआं नूं पता है मास बाय वॉल्यूम, ये हाई है, इहदी लो है। दैन जिहड़ी हैट्रोक्रोमैटिन उहदी रैप्लीकेशन हुंदी, बेटा वट इज़ रैप्लीकेशन, डीएनए की कॉपी बनना, डीएनए तो डीएनए, दिस इज़ रैप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन असीं की पढ़ी, डीएनए तो आरएनए, ट्रांसलेशन की पढ़ी, आरएनए तो अगे प्रोटीनस, चलो वो नहीं असं कर रहे, असं इतने रैप्लीकेशन कर रहे हैं। हैट्रोक्रोमैटिन की रैप्लीकेशन इस फेज बहुत बाद चो हुंदी है, क्योंकि लंबा समा बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है ना, सो जो इन्हें अपनी कॉपी बनानी वो उन्होंने खुलना पैना, तो खुलन च बड़ा टाइम लगता है, इस करके रैप्लीकेशन बहुत लेट हुंदी है। ये रैप्लीकेशन इस फेज जल्दी जल्दी हो जाती है, इस फेज शुरू होंदे ही हो जाती है, क्योंकि जल्दी खुल जाता है, जी चीज़ लूज है खुल भी जल्दी जाती है, क्योंकि जो असं अगे पढ़ा रैप्लीकेशन होएगी तो रैप्लीकेशन होने समय डीएनए के जो स्ट्रैंड होंगे ओपन होंगे है, खुलते हैं दो स्टैंड, सो अभी देखा किमें ओपन होंगे। सो दिस वॉज हैट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। सो बेटा आप डिस्कस कर लिया कि वॉट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कि इन्ना लंबा डीएनए किमें पैकेज हो के किमें न्यूक्लीयस फिट आ जाता, वो असं डिस्कस कर लिया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो असं यदा एक मॉडल किया न्यूक्लियोसोम मॉडल, कि मॉडल किया न्यूक्लियोसोम। सो एट लास्ट बच्चे आप तीन टर्म्स दे विच एक डिफरेंस पढ़ांगे, तीनों टर्म्स क्लियर करांगे, व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट इज क्रोमैटिड। ठीक है बच्चे, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन की हुंदा बेटा, क्रोमैटिन की हुंदा, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, केड़े प्रोटीनस, हिस्टोन प्रोटीनस। आप हुणे हुणे न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़िया, असी की पढ़िया न्यूक्लियोसोम मॉडल्स की पढ़िया, न्यूक्लियोसोम मॉडल्स असी पढ़िया कि हिस्टोनस हुंदे ने साडे कोल, एच वन, एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर, ते जिहड़े एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर आ ऑक्टामर है, मीनस कि उहदे टू टू मोलेक्यूल्स अठ मिल के एक न्यूक्लियोसोम बनाते, एक कोर बनाते हैं, उहदे अराउंड डीएनए लिपटिया हुंदा, ते जिहड़ा एच वन हिस्टोन है लिंकर डीएनए च प्रेजेंट हुंदा, पढ़िया ना आपां न्यूक्लियोसोम मॉडल। सो हिस्टोन प्रोटीनस प्लस डीएनए, ये की बन गया साडे को क्रोमैटिन, और इसी फॉर्म दे विचों कंडेंस होए, मतलब वो इकट्ठा होकर न्यूक्लीयस च प्रेजेंट है, हो गया जी।
कमिंग टू क्रोमोसोम्स, बेटा जदों आपां पढ़ते हैं अपना माइटोसिस मियोसिस का प्रोसैस पढ़ते हैं, प्रोफेज मैटाफेज एनाफेज टेलोफेज, है ना, तो आप की देखते हैं शुरू दे विच न्यूक्लीअस दे विच सैल दे विच की होंदा क्रोमेटिन आह डीएनए प्लस प्रोटीन थ्रैड की फॉर्म च प्रेजेंट है। लेटर ऑन उहदी की होंदी है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब की है, सुंगड़ना, कंडेंस होना, क्योंकि ऑलरेडी जो अपना न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ते हैं ऑलरेडी कहने कि डीएनए कंडेंस होया। होर कई योजे प्रोटीनस होंगे, मैं पहला भी दस्या सी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीनस, वो होर फरदर इनू एडिशनल उन्हों होर करते ने पैकेज करते ने होर उन्होंने कंडेंस कराते ने। सो कंडेंस हो के तुहानू पता है फिर की बन जाते हैं क्रोमोसोम। जे असी जो माइटोसिस मियोसिस पढ़ते असं यह चीज़ पढ़ते हैं कि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन तो बाद की बनते क्रोमोसोम्स। गल रहेगी क्रोमेटिड की, आप पढ़ते हैं कि जो प्रोफेज होंगे है ना, प्रोफेज मैटाफेज एनाफेज टेलोफेज, तो इदा एक थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। फिर वो रैप्लीकेशन होनी है, रैप्लीकेशन होने तो बाद असी पढ़िया होया ना इदा के दो थ्रैड्स बन जाते एंड दे आर जॉइंट एट सेंट्रोमीयर। कितने जुड़े होंगे ने सेंट्रोमीयर, ठीक है, सेंट्रोमीयर ना जुड़े होंगे। फिर सानू पता है एनाफेज दे विच जाके, पहला तो यह कभी सैपरेट नहीं होंगे, एनाफेज च जाके फिर सैपरेट होने शुरू होंगे दो। सो जड़े ए दो थ्रैड्स ने विच आर जॉइंट टूगैदर एट सेंट्रोमीयर, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स। और जो ये इक्को ही सेंट्रोमीयर ना जुड़े होंगे इन्हों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते, की बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो आप पढ़ चुके हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो जे एदा वन ते टू दे मैं जिक्र करा, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जेडे इक्को सेंट्रोमीयर ना दोनों जुड़े है दीज आर सिस्टर, तो जेडे ओपो इदा अलग अलग पाए होमोलोगस क्रोमोसोम ने ना दोनों, तो आ जे अलग अलग सेंट्रोमीयर ना जुड़े पे इनू की कहने असी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स एंड लास्ट इज क्रोमेटिड, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स।